प्यारे गुरु शास्त्र संगत जी प्यार से कहिएगा दान निरंकार जी। शास्त्र संगत जी मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए जानते हैं भक्ति। शास्त्र संगत जी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था और उसकी इच्छा करती कि वह राजा से मिले, राजा के दरबार में बैठे और राजा से बात करें। गरीब था लेकिन बुद्धिमान था। उसे जब राजा से मिलके बात करने की हुई, जब उसके मन में ऐसा आया कि मुझे राजा के साथ में बात करनी है, तब उसने राजा के बारे में पता किया। उसे पता लगा कि राजा सुबह मॉर्निंग में इस रास्ते से घूमने जाते हैं। अब क्या था, जब उसे इतना पता चल गया कि राजा इस रास्ते से घूमने जाते हैं, तो उसने उस रास्ते में झाड़ू लगाना चालू कर दिया। तो जिस रास्ते से राजा जाते थे उस रास्ते में जब झाड़ू लगा, तो राजा अगले दिन देखे कि कौन व्यक्ति है जो झाड़ू लगा देता है, रास्ता साफ है। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, राजा देखे। उसके बाद राजा सोचे कि कोई गरीब व्यक्ति रहेगा, धन के लिए ऐसा कर रहा होगा। अपने पास से एक हीरे का छोटा सा टुकड़ा गिरा देते हैं और अगले दिन जब यह व्यक्ति झाड़ू बांधने जाता है तो उसे वह मिल जाता है। व्यक्ति क्या करता है, उस हीरे को उठा के लेके आता है और हीरे को बेच देता है और जो उससे पैसा मिलता है उससे अपना घर बनाता है और अपने लिए कपड़ा खरीदता है। फिर भी वो झाड़ू लगाना बंद नहीं करता है। फिर राजा ऐसे करते करते फिर दूसरा अपना हीरा वहाँ पर गिरा देते हैं। फिर दूसरा हीरा भी वो उठा ले जाता है। अब उसके पास बहुत सारी संपत्ति हो गई जो गरीब व्यक्ति था, फिर भी वह झाड़ू लगाना बंद नहीं कर रहा है। फिर राजा बोले कि कोई व्यक्ति अगर धन के लिए ऐसा करता तो धन तो मैंने उसे दे दिया, उसे बंद कर देना चाहिए। तो अपने दरबारियों को कहे कि ये कौन व्यक्ति कर रहा है, इसे जरा पकड़ा जाए और मेरे पास हाजिर किया जाए। तो उस व्यक्ति को जब वह झाड़ू लगाने गया तो दरबारी उसे पकड़ लिए और राजा के समक्ष उसको उपस्थित किए। जब वह उपस्थित किए तो राजा ने क्वेश्चन किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप धन के लिए कर रहे थे तो मैं आपको धन तो दे दिया, तो आपको यह बंद कर देना चाहिए था। अब यह व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति था, इसने कहा कि हे राजन, पहली बात तो यह है कि मैं ये झाड़ू जो लगाता था मैं धन के लिए नहीं कर रहा था, मुझे आपका दर्शन करना था, इसके लिए मैं झाड़ू लगा रहा था। अन्यथा मैं पहली बार धन मिला, दूसरी बार धन मिला, मैं इतना अमीर हो गया कि मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपका दर्शन करना था। अगर यह कर्म, अगर झाड़ू करने का कर्म, झाड़ू मारने का कर्म अगर मैं नहीं करता तो शायद ही मैं आपसे नहीं मिल पाता, लेकिन यह कर्म जो झाड़ू मारने का था इसने ही आपसे मिलाया मुझे। राजा यह बात सुन के प्रसन्न हुए, उससे अपने दरबार में दरबारी का लिए नियुक्त किए। अब सारा काम भाम जो उनका काम था सब सारा भार उसके ऊपर डाल दिए, क्योंकि राजा का बात जो इसने सुना राजा ने, उससे वह प्रसन्न हो गया। ये व्यक्ति दर्शन मात्र अपना कर्म करते रहा तो व्यक्ति जरूर निष्ठावान होगा। शास्त्र संगत जी हमें भी इस छोटे से व्यक्ति की तरह भगवान की, परमपिता परमेश्वर की स्मरण करना चाहिए। हमारे कर्म ही हैं जो हमें भगवान से मिला सकते हैं। हमें जो 84 योनि हैं उसमें भाव सार
पार करा सकते हैं। हमें मुक्ति दिलाना है, मुक्ति लेना है। इस छोटे व्यक्ति की तरह अपने कर्म हमें हर रोज करना है। सत्संग जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्यार से कहिएगा द निरंकार जी।